राहुल महाजन की भी मैं बात करूँ, बहुत ही इंटरटेनिंग है और मेरे ख्याल वो बहुत ही खुश मिजाज जिसे कहते हैं ना, कि वो घर के माहौल को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे, ऐसा मुझे लगता है। एजाज़ बहुत अच्छा लगता है मुझे, रुबीना बहुत अच्छी लगती है मुझे, अली बहुत अच्छा लगता है। बिग बॉस की अगर बात करें तो आप फॉलो करते हैं? मैं नहीं कर पा रहा हूँ, अब नहीं कर पा रहा हूँ। शुरुआत में मैंने किया ज़रूर था, लेकिन फिलहाल आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। शुरुआती दिनों की बात करें, कौन पसंद आ रहा है? मुझे एजाज़ बहुत अच्छा लगता है, मुझे रुबीना बहुत अच्छी लगती है मुझे अली बहुत अच्छा लगता है राहुल बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक हर किसी की अपनी एक पर्सनैलिटी है एंड हर कोई अपनी पर्सनैलिटी जो है कुछ अपनी यूनिकनेस लेकर के टेबल पे आता है। बट मेरे ख्याल एक बिग बॉस हो या ज़िंदगी हो, एक बहुत ज़रूरी बात है कि आप अपने ओपिनियंस सामने रखें और ये चारों पाँचों जो मैंने नाम कहे हैं आपसे, वो अपने ओपिनियन जताने में बिल्कुल परहेज़ नहीं करते हैं। राहुल महाजन की भी मैं बात करूँ, बहुत ही इंटरटेनिंग है और मेरे ख्याल वो बहुत ही खुश मिजाज जिसे कहते हैं ना, कि वो घर के माहौल को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे, ऐसा मुझे लगता है और शायद यही हो भी रहा होगा जितना मैं राहुल को जानता हूँ। क्योंकि सोशल मीडिया पर आजकल कुछ चीज़ एक अगर बहुत ज़्यादा रॉक कर रही है तो वो आपकी और जिया की जो अपकमिंग जमाई की पिक्चर, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? शूट कैसा था? शूट बहुत ही बेहतरीन रहा है। वी हैव जस्ट रैप्ड अप द शूटिंग शेड्यूल बट द डबिंग एंड एवरीथिंग एंड ऑल दोज थिंग्स आर ऑन साइमल्टेनियसली एज वी स्पीक। बहुत ही मज़ेदार सीज़न है और ये पहले सीज़न से काफ़ी अलग है। दिस गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ इंटेंसिटी, अ लॉट ऑफ रोमांस, अ लॉट ऑफ आई थिंक ये सिद्धार्थ और रोशनी का सीज़न है, तो इनके रिलेशनशिप का सीज़न है, इनके बीच में जितनी मोहब्बत है और मोहब्बत के बीच में जो चैलेंजेस आते हैं उसका सीज़न है। सो आई थिंक पीपल हैव अ लॉट टू लुक फॉरवर्ड टू। ओके, डिजिटल इतना ज़्यादा हो गया है अब चीज़ें, तो आपको लगता है कि वापस ऑन मतलब नॉर्मल टेलीविजन पर स्क्रीन पर ही लोग देख पाएंगे वापस? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। आई थिंक टेलीविजन स्क्रीन्स वाले मैं खुद ही, मुझे नहीं लगता कि मैं इनफाइनाइट कमिटमेंट्स में घुसना चाहूँगा। तो मैं जमाई 2.0 इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वो 10 एपिसोड्स जो हैं 1-1.5 महीने के शेड्यूल में ख़त्म हो जाते हैं, तो इंटेंसिटी के साथ ही शुरू होता है, उसी इंटेंसिटी पर ख़त्म हो जाता है। अब मैं जहाँ मुझसे आप अगर कह दें कि 3 या 4 साल एक प्रोजेक्ट चलेगा, तो मैं मतलब वो मैं नहीं चाहता कि कोई चीज़ एक्साइटमेंट से शुरू हो और बीच रास्ते में कहीं जा करके वो एक्साइटमेंट डाइल्यूट हो जाए। तो आई प्रेफर इट दैट पॉइंट A टू पॉइंट Z यू आर एज एक्साइटेड एज यू वर ऑन द फर्स्ट डे। ओके रवि, तो करण का सॉन्ग का सेलिब्रेशन है, क्या कहना चाहेंगे? देखा जी हाँ, मैंने देखा और मैं बहुत खुश हूँ दैट द सॉन्ग इज़ अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। सिर्फ करण ही नहीं, रोचक इज़ अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन and so I'm very happy that the song is doing so well and it's got so much love and respect. COVID time की अगर बात करें, uncertainties की बात करें, तो finally 2020 खत्म होने वाला है, तो 2021 से क्या expectations है? 2020 भी अच्छा ही गया और 2021 भी अच्छा ही जाएगा। मतलब हर बार जब हम थोड़े चैलेंजिंग सर्कमस्टेंसेस देखते हैं तो हमें घबराना नहीं चाहिए, उसे कॉन्डिसेंड नहीं करना चाहिए। आई थिंक हर तरीके के समय का अपना एक पर्पस होता है, सो वी शुड रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड इट लाइक दैट। आई थिंक 2020 हैड इट्स ओन बेनिफिट्स, 2021 इज़ वेलकम यू नो एंड विल गिव अस अ लॉट ऑफ रीजंस टू सेलिब्रेट। सो ओके, न्यू ईयर न्यू मी, तो आप किस तरह लेने वाले हैं? क्या न्यू होने वाला है आपकी लाइफ में? पर्सनालिटी की बात करें, कोई चेंजेस की बात करें, क्या चेंज करना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी या फोरसाइट से वो चेंजेस आते हैं, चेंजेस ऑर्गेनिक होते हैं। अगर सब कुछ सोच समझ के किया जा सकता तो कोविड शायद होता ही नहीं। तो आने वाले समय, आने वाला कल किसी ने देखा नहीं है, है ना, तो आई थिंक यू ऑर्गेनिकली रिस्पॉन्ड टू इट द मोमेंट दैट मोमेंट कम्स, दैट्स द बेस्ट वे टू डील विद इट। ओके, लास्टली रवि, आपको हमने आपके करियर के स्पैन में जितना देखा है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते देखा है, आपने रियलिटी शो किए, आपने खतरों किया है, आपने दोस्ती की है, सारी चीज़ें कर ली है, तो बिग बॉस जैसा शो अगर कभी आपको कभी नहीं तो कभी नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।